भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगाटी आइलैंड पर। अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स में भारत अपना नेवल बेस बनाने वाला है, तकरीबन यहाँ पे हैं अगाटी और मिनिकॉय आइलैंड्स। इस वक्त आपके पास टोटल रिजर्व जो है ना वो है 8 बिलियन, जो मेरा ख्याल है कि 2 महीने के लिए आपके इंपोर्ट के लिए बहुत कम है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर नेवल बेस का आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरिटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है। जैसे कोलिशन गवर्नमेंट्स है ना दुनिया में, इंडिया में नरेंद्र मोदी हार्डली 20-21%, बाकी 11-12 जमातें जो हैं वो कोलिशन है। INS जटायु का इनॉग्रेशन होने वाला है और INS जटायु मिनिकॉय आइलैंड में इनॉग्रेट करेंगे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं PR लेने के बावजूद जो हैं वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती हैं। क्या कभी भारत का मुकाबला डटकर किया? एब्सोल्युटली नॉट। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी है, हम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा अंदर का जमीन मर गया हुआ है। मैं आज से 20 साल पहले यही समझता था कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे, हम यहाँ पर बेहतरी होगी। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ कि पाकिस्तान को ठीक करना जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की प्रायोरिटी ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। अच्छा। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, जब से मालदीव्स में बीजू की गवर्नमेंट आई है उसके बाद से लगातार मालदीव्स और भारत के बीच में इश्यूज तो चल रहे हैं, लेकिन इंडियन ओशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं भारत के खिलाफ, जहां मालदीव्स ने चीन के स्पाई शिप को अपने यहां डॉक करने की परमिशन दे दी और इसके साथ साथ मालदीव्स ने अपने एक आईलैंड को भी चीन को 50 साल के लिए लीज में दे दी मात्र $4 मिलियन में। इसके बाद दोस्तों मालदीव्स भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। तो दोस्तों इस चीज़ को काउंटर करने के लिए भारतीय सरकार ने निर्णय लिया है कि लक्षद्वीप के 2 आइलैंड में 2 नेवल बेस बनाए जाएंगे, अगरती आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड पर, जहां दोस्तों हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और अन्य वॉरशिप तैनात होंगे इस आइलैंड पर। और दोस्तों इसके साथ साथ मिनिकॉय आइलैंड में INS जटायु का भी इनॉग्रेशन किया जाने वाला है मार्च में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो दोस्तों अब भारत चीन का हर एक कूटनीति का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है उसी के भाषा में। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूं तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के बोलूंगी कि पाकिस्तान के हक में जिसने भी आवाज़ उठाई है, जिसने भी आवाज़ उसको या तो वीगो डाले में फेंक दिया जाता है या उसको मरवा दिया जाता है या उसको नामक जगह पे फेंक दिया जाता है कि ये ना तो आवाज़ उठाए। बताए हमारी बॉर्डर कंट्रीज से नहीं बनती, बहुत से ऐसे ममालिक है जिससे हमारी नहीं बनती। क्या कभी हमने उनको काउंटर किया कि उनके उनसे स्ट्रांग दिखे? वो जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम आपस में ही लड़ी मरी जा रहे हैं। हमारी जंग अंदर की खत्म नहीं हो रही तो हमने बाहर कहाँ जाके जंग लड़ना है? वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। ये मतलब इशारा मैंने किया, आप समझ जाए, समझ सकते हैं, समझदार है आप माशाल्लाह, कि बाहर वालों से हम लड़ नहीं सकते, अंदर वालों को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। क्या हमने कभी भारत को काउंटर किया? क्या कभी भारत का मुकाबला डटकर किया? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? कुछ कॉल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी है, हम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा अंदर का जमीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का जमीन मर जाए ना तो जितने मर्जी आपको चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते। हम बाहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, बाहर वालों का से लड़ नहीं सकते और अपनी कौम को हम छोड़ नहीं सकते। मगर अगर हम बात थोड़ी करें भारत की, हम मजहबी बात कर रहे हैं और उसके बाद हमने देखा कि अबू धाबी में एक बहुत शानदार मंदिर जो है वो तामीर किया गया, उसकी इनॉग्रेशन हुई। उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर कतर पहुंचे और वहां पर जो नेवल ऑफिसर्स कैद थे उनको भी छोड़ा गया, ना सिर्फ ये रिहा किया गया बल्कि वो भारत भी पहुंच गए। इस वक्त भारत जो है वो एशिया जो है हमारा, हमारी साइड जैसे कह लें कि उसमें सबसे आगे जा रही है। हम कुछ सीखते क्यों नहीं है भारत से?
क्योंकि हम सीखना चाहते हैं, हम भारत की तरह तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान में ये फर्क ये है कि भारत की जो फौज है वो पाकिस्तान भारत की पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत के अंदर इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, भारत के अंदर एक प्रॉपर जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा हुआ है और इस वेंटिलेटर के ऊपर जो डॉक्टर साहब हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब बने हुए हैं, और जनरल आसिम मुनीर जिस तरह से मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो फर्क है पाकिस्तान और भारत का। जब एक पॉलिटिकल बंदा मुल्क चलाता है तो डॉलर जो है वो कई सालों से 80-82 रुपए के ऊपर रहता है, लेकिन जब फौज मुल्क चलाती है तो फिर जो डॉलर है 105 से 300 रुपए भी क्रॉस कर जाता है और उस मुल्क के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन होता है, उस मुल्क के अंदर बिजली के रेट बढ़ते हैं, गैस के रेट बढ़ते हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ते हैं। तो आज पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान से मायूस हैं। मैं कल पढ़ रहा था कि कनाडा में बहुत सारे जो इंडियंस हैं पीआर लेने के बावजूद जो हैं वापस इंडिया जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि उन्हें कनाडा से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज वापस इंडिया में मिल रही होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक एक बंदा इस वक्त 65 लाख पासपोर्ट जो है क्यू में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान से एक एक बंदा जो है वो वहां से निकलना चाहता है, और जो नहीं निकल पा रहा वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से निकल नहीं पा रहा, पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से वो पर नहीं बैठा हुआ। और आपने कहा है कि आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सी स्पीचेस सुनी है, तो बीइंग अ लीडर के वो किस तरीके का अपने कंट्री के लिए साबित हुए हैं? बीइंग अ लीडर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत आगे अपने कंट्री को लेकर जा रहे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट ये देखा कि उन्होंने चांद तक का सफर तय कर लिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको स्टडी की तरफ फोकस कर रहे हैं, और उनका जाना भी ज़रूरी है। हमें वाकई इस फील्ड के लिए बहुत एजुकेशन की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है वो अच्छा लीड कर रहे हैं और ऐसे लीडर होना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए अगर कोई आने दे तो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा लीडर विजन रखने वाला, विजन रखने जिसका विजन हो, जो अपनी आवाम को, अपनी यूथ को, अपने लोगों को कोई गाइड कर रहा हो, कुछ समझा रहा हो, किसी तरफ ला रहा हो। वही बात है घूम फिर के कि उनके पास एटॉमिक पावर है, उनके पास यूथ एजुकेशन है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो वो तो वहाँ डेवलपमेंट क्या हमसे ज़्यादा है? वहाँ डेवलपमेंट हमसे ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। मैं कश्मीरी हूँ, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, और जो हमारा कश्मीर उनके पास है तो फर्दर तो वो हमारा है, लेकिन जो उनके पास है पर वहाँ डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है। और हमारे हमारे कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्या वहाँ ट्रेन नहीं चलती? वहाँ ट्रेन चलती हैं, हमारे वहाँ ट्रेन नहीं चलती। हमें तो प्रॉपर पुल नहीं दिया जा रहा है एक क्रॉस करने के लिए, ब्रिज नहीं है हमारे पास, रोड्स नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये जो वहाँ पर ट्रेन चलती हैं, चूँकि आपके सामने ही वो हिस्सा लगता है, आपने वहाँ की खुशहाली कितनी देखी है? और डेवलपमेंट अगर मैं आपसे पूछूँ तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ पर डेवलपमेंट है, वो खूबसूरत है, उनके पास टूरिस्ट ज़्यादा हैं, और वो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान जो ये एक चल रहा है ना क्राइस चल रहा है या जो भी हमारे सिस्टम है, वो मेन भी इसीलिए कि उन्होंने वहाँ इतनी डेवलपमेंट कर दी है, इतना उसको आगे ले गए हैं, इतना कुछ कर दिया, तो वो क्यों हमें दें? वो मेन यहाँ पे हमें खुद को तो स्ट्रांग दिखाना है कि हम उसे संभाल सकते हैं, तो हमें दो। आज़ाद कश्मीर से ना आप, तो आज़ाद कश्मीरियों को कितनी फैसिलिटीज दी जाती है? हम यूनाइटेड नेशंस में हमेशा कश्मीर लेकर जाते हैं, तो आप तो कश्मीरी है, तो क्या कहेंगे आप आज़ाद कश्मीरियों का? यही है कि वहाँ से हमें डैम्स हैं, हमारे पास वहाँ से वुड है जिसको हम कितना यूज़ करें, टूरिस्ट हमारे पास वहाँ से हैं, तो इन सब के होते हुए आज़ाद कश्मीरी जो कश्मीरी हैं, कश्मीर है उसको तो बहुत आगे डेवलप होना चाहिए, तो हमारे पास वहाँ पे सब चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास वहाँ स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज से लेके, रोड से लेके, हमारी वहाँ की इकोनॉमी से लेके, वहाँ पे बिजली, लाइट और डिफरेंट और चीज़ें हैं, लाइक इंटरनेट है, गैस है, ये सही है नहीं है, तो वो किधर है?